हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नई ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों ये ब्लॉग मैं कहाँ से बना रहा हूँ और मैं क्यों बना रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोग तो समझ ही रहे होंगे मैं कहाँ से वीडियो बना रहा हूँ। देख सकते हैं एक पेड़ है जो कि मानेसर में है और ये भी सेक्टर 7 में है। दोस्तों ये गाछी है और मैं यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं पब्लिक प्लेस में वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया कि कल से जो है मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है। दोस्तों हम आप लोग देते थे इन्फॉर्मेशन जहाँ भी भर्ती है दोस्तों, लेकिन अब जो है हमें वीडियो बनाने में अच्छा नहीं लग रहा है। पता है क्यों? क्योंकि दोस्तों जिस कंपनी में हम काम कर रहे थे SGS टेक्नोलॉजी में, वहाँ मिले थे हमें घर जाने के लिए दोस्तों छुट्टी मिले थे, तो हमने हमें पता है कि दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में छुट्टी नहीं मिल सकती है इतने दिनों की, एक मंथ की ऊपर से छुट्टी नहीं मिलेगी। इसके लिए हम जो है दिए थे उसको रिजाइन। जिस डिपार्टमेंट हम काम करते हैं वहाँ पे जो है मैडम है, तो मैडम को रिजाइन दिए हमने। मैडम ने एक्सेप्ट नहीं की, मैडम ने ऊपर नीचे बहुत करवाए, मैनेजर साहब के पास ले गए थे, तो छुट्टी बोली कितनी छुट्टी चाहिए। हमने बोला ऊपर लिख दिए कि हमें एक मंथ की छुट्टी चाहिए। घर गया तो घर में जाने के बाद थोड़ी ना एक ही काम फिर रहता है कि गेहूँ ही काटना है और काम होता है दोस्तों, सब कुछ हमने लिखा उस पर, तो ये छुट्टी पर साइन किया था मैडम। हमें 24 अप्रैल से ड्यूटी करना था, वहाँ हम लेट हो गए 4 दिन, तो हम 28 चले थे, तो हम आए 29 को पहुँचे, तो नाइट में कॉल किए कि सर मैं कल से ड्यूटी आऊँ। हम नाइट कर रहे थे, बोला नहीं आज ही नाइट कर लो। 1 तारीख को पड़ गया लेबर डे, हमने लेबर डे में काम नहीं किया और छुट्टी था दोस्तों, तो 30 अप्रैल को ड्यूटी हमने कर लिए थे और बच गया मेरा 1 तारीख ड्यूटी। 1 तारीख से मेरा कंटिन्यू चल रहा था ड्यूटी। जब सैलरी का समय है सबका सैलरी डल गया, जब मेरा सैलरी नहीं आया तो मैंने मैडम से पूछी, मैडम मेरा सैलरी नहीं आई। बोला तुमने छुट्टी की तो सैलरी कैसे आएगी? मैं बोला कम से कम छुट्टी कितना पास हो, जितना पास हो सके करवा दो, 10 छुट्टी कम से कम करवा दो पास। तो बोला टाइम से नहीं आया तो छुट्टी नहीं पास होगा। फिर मैं आचार के पास, बोला आचार से बात कर लो। मैंने आचार में गया, तो आचार में गया तो ऐसे से बात बोला जो मेरे साथ हुआ था दोस्तों, छुट्टी के लिए मैं रिजाइन दे रहा था, ऐसे सब बात बताया हमने। तो बस एक ही बात बोल रहा था कि तुम्हें टाइम से नहीं आया इसीलिए पास नहीं हुआ। बोला तुम्हारे पास दो ही रास्ता है, या तो न्यू ज्वाइनिंग करवा लो नहीं तो तुम्हारा पैसा नहीं आएगा। वैसे भी आने वाला ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने लेट कर दिए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, तो कुछ ना कुछ छुट्टी तो पास होना ही चाहिए, जबकि हमने 1 साल कंटिन्यू काम किया और कभी छुट्टी नहीं किए थे SGS कंपनी। बताओ दोस्तों, जब हमारा जो है कल से न्यू ज्वाइनिंग हो गया दोस्तों, बोला मैं उसका रिजाइन दे दूँ, हमें रिजाइन नहीं दिए। रिजाइन दे देते तो मेरा बोनस का पैसा फंस जाता दोस्तों, जो हमें दिवाली में मिलना था वो हमें मिलता जनवरी में, लेकिन मिलता जरूर लेकिन जनवरी में देता। तो और इसके लिए भी रिजाइन नहीं दिया। और बाकी जो है हम जो कुछ सोचे कि क्या करेंगे दूसरे कंपनी में जाके, सोचा इसी में कर लेते हैं, जब तक करते कर लेते। अब जाएंगे तो रिजाइन दे देंगे, पहले रिजाइन दे देंगे उसके बाद चले जाएंगे। घर जाने के बाद 10 दिन में नहीं होता है दोस्तों काम, आप लोग भली बात ही पता ही है, अगर आप लोग प्राइवेट सेक्टर में काम किए होंगे तो नहीं होता है घर जाने के बाद। तो यही सब घटना मतलब कल मेरे साथ हुआ, जो हुआ दोस्तों आप लोगों को मैंने बता ही दिए, देख सकते हैं। तो सोचा आज कंपनी से थोड़ा अलग होकर वीडियो बनाना है, इसीलिए जो है मैं अभी पेड़ पर चढ़ गया हूँ दोस्तों। सोचा पेड़ पर थोड़ा अच्छा खासा जो है देखने को व्यू भी मिलेगा, और रास्ते में तो ऐसे ही चलता ही रहता हूँ रोज़ के वीडियो, सोचा आज कुछ अलग वीडियो बनाऊँ। और दोस्तों हो सके तो 2-4 दिन मैं इसी बैठ के वीडियो बनाऊँगा, थोड़ा आपको कंपनी का व्यू भी दिखाएंगे, और 2-4 दिन हो सके तो ऐसे ही वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों मेरे साथ यही हुआ, दोस्तों आपके साथ क्या हुआ था? कंपनी में अगर छुट्टी देती है कंपनी की नहीं देती, हम लोग तो महीना में दोस्तों 2 छुट्टी मिलती है, 2 गेट पास मिलती है, और आप लोगों को क्या मिलता है दोस्तों जरा हम कमेंट करके बताइएगा। इतना घटना मेरे साथ घटा। हाँ दोस्तों मेरा ज्वाइनिंग हो गया, नया ज्वाइनिंग 1 तारीख से मेरा ज्वाइनिंग है दोस्तों, नया
मैं नया नहीं हूँ, लेकिन कंपनी के थ्रू मैं नया हूँ। मैं पुराना हो गया हूँ कंपनी में, लेकिन अब कंपनी के लिए मैं नया हूँ, क्योंकि नया ज्वाइनिंग में तो नया हूँ। आप लोग बताइए दोस्तों, आप लोग कितनी छुट्टी करते हैं और रिजाइन देने के बाद एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, छुट्टी पास होता है कि नहीं होता है, जरा कमेंट करके बताइएगा। और आज की ब्लॉग दोस्तों इतना ही, अगली ब्लॉग देखेंगे दोस्तों कल क्या होता है। अभी हम ड्यूटी के लिए निकल गए हैं, तो टाइम बचे तो मैं दोस्तों को बता दूँ, इसीलिए थोड़ा अलग होकर वीडियो बनाता हूँ। अभी देख सकते पेयर पर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, जरा चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना राय जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।